आज अपने राज्य के असेंबली चुनाव का पोल्स रिजल्ट है। वोटों की गिनती पूरी होने से पहले ही अपनी जीत मानकर रवि यादव के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। जैसा सबने सोचा था ठीक वैसे ही प्रत्याशी ज्ञानेंद्र से रवि यादव मेजॉरिटी से जीते हैं। रवि यादव जिंदाबाद, 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 रवि यादव जिंदाबाद। जीत अपने लोगों की बातों में नहीं होती, हारने वालों की आंखों में देखनी चाहिए। हे बाबू, हमने औरतों में जो साड़ी ब्लाउज बांटी थी वो इन्हें भी दे दो, पहन लेगा। रवि यादव जिंदाबाद, 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 रवि यादव जिंदाबाद। जब से असेंबली बनी है तब से भले ही पार्टी बदले या सरकार बदले, लेकिन वीरभद्रपुर में विजय यादव परिवार की होती है। इसी विधानसभा चुनाव में कैसे भी एमएलए का पद जीतने की चाह से तीन पीढ़ियों से चुनाव लड़ते आ रहे नागेश्वर फैमिली को इस बार भी हार ही हाथ लगी। पता चला ना, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऑफिस को मैनेज करना, लोगों को डराना और रिंकिंग करना। जब वो नाना कर रहा था, सारी जायदाद बेचकर इसे उसके विपक्ष में खड़ा करवा दिया। आज पूरा परिवार सड़क पे आ गया है, कल को हमें भीख मांग के खाना पड़ेगा जी। ओ बंद कर। पापा, अपनी गलती की सजा माँ को क्यों दे रहे हैं? बकवास बंद कर। भले ही तुम लोग भीख मांगो या फिर सड़क पर रहो, लेकिन मैंने जो सोचा है वही करूंगा। और क्या हो गया पापा? पापा क्या हुआ पापा? सॉरी शिवराम कृष्णा, इलेक्शन में बिजी था इसलिए तुझे वेट करना पड़ा। वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बाबू? सारी दुनिया जब शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ रही है, तब यहाँ पर बच्चों को उनकी शिक्षा से दूर करके उनके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। उसका सबूत है रवि यादव की ग्लास फैक्ट्री। इस तरह खतरनाक हालात में काम करने की वजह से अब तक सिलिकोसिस बीमारी से 157 बच्चे जान गंवा चुके हैं। ऐसे अन्याय के कारण जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उन्हें लेबर बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग शांत बैठे हुए हैं और उसकी वजह है रवि यादव का डर। लोकल डब्बा चैनल में जर्नलिस्ट है ये। 30,000 की सैलरी पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे धंधे पर 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट रेडी किया है। अब ये अपने पैशन में इतना सीरियसली काम कर रहा है तो अपने प्रोफेशन में, अपने एरिया में सावधानी बरतनी चाहिए थी। सॉरी भाई। सर, आपकी गतिविधियां गलत है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। आप अपनी फैक्ट्री बंद कर दीजिए। मरते समय भी संस्कारी बातें करना, समाज के बारे में सोचना, ये देख कर मुझे फख्र हो रहा है। जो हमरा है उस पर कोई और अपनी नजर डाले तो उसे खोज कर हम मारता हूँ। यू कैन किल मी सर, बट नॉट माई एम्बिशन। इसे पूरा करने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। ऑन द वे मैंने कमिटमेंट कर दी तो समझो काम हो गया। दस मिनट में मैं पुलिस क्वार्टर्स पहुंच जाऊंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नारायण, तुम्हारे बेटे की शादी है ये कहकर पूरे डिपार्टमेंट को ग्रुप मैसेज कर दिया। अरे हमें ड्रेस बदलने का समय भी नहीं मिला। वो मुझे नहीं मिला सर, मेरे पिताजी मरने की स्थिति में हैं। अपने पोते की शादी मरने से पहले देखना चाहते हैं, इसीलिए
उसकी शादी करवा रहा हूँ सर। ठीक है चलो। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। पंडित जी जल्दी से कार्य शुरू कीजिए। साहेब हर कोई अपने तरीके से काम करता है, आपने आते ही दूसरे पुलिस वालों से सल्यूट नहीं करवाया क्यों बताइए? उसी तरह से जब हम शादी करवाते हैं तो मुहूर्त होना बहुत जरूरी है और अभी उसमें आधे घंटे का टाइम है। इनके पास टाइम नहीं है, मरीज 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मंगलसूत्र बांधा क्या? हर किसी को अपनी पड़ी है लेकिन मेरे इमोशन की किसी को नहीं पड़ी। Hey, कौन है तू? MLA। सर 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 MLA मतलब असेंबली जाने वाला MLA नहीं सर, मेरे शहर में मुझे सभी महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है MLA, समझ गए ना? तू अपने आप को महान कहता है और यहाँ आके शादी में गड़बड़ करता है। डिस्टर्ब नहीं किया सर, जस्ट डेमो दे रहा था। आई एम कल्याण चतुर्वेदी फ्रॉम TVS मोटर्स। अब मैं आपको अपनी गाड़ी के फीचर्स बताऊंगा, आइए ना सर। ट्रैफिक में जैसे बलून बेचते हैं, ये शादी में आकर बाइक बेच रहा है। दिस इज अपाचे RTI 4V, 200cc 4-valve इंजन, 20.2 BHP, 70-inch अलॉय व्हील्स। ये सब क्या लगा रखा है? प्लीज सर, 6 महीने से इस ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई कहता है ऊपर वाले से मिलो, कोई कहता है और ऊपर वाले से मिलो, और यहाँ पर तो सर से लेकर ACP तक सब मौजूद हैं। मान जाइए ना सर, डिपार्टमेंट वालों को स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा सर। CM साहब ने हमें AC कार्ड दी है। बिल्कुल करेक्ट है सर, लेकिन अगर चेन स्नैचर को चेस करके पकड़ना है तो ये स्पोर्ट्स बाइक ही काम आएगी। एक बार अगर इस बाइक को रोड पर लेकर चले गए तो ये Formula 1 को भी पीछे छोड़ देती है। अगर कोई चाहे तो टेस्ट ड्राइव ले सकता है। Anyone interested? मैं रेडी हूँ। I like riding। चलो। Okay। ओए, मुहूर्त निकल जाएगा ना? नारायण तेरी समझ में अब तक नहीं आया? उस लड़के के साथ प्लान बनाकर तेरा बेटा भागा है। ओए, गाड़ी निकालो। अब क्या निकालें? उसका डेमो सुना था ना? अगर उसे पकड़ना है तो उसके बाइक के जैसी बाइक लानी पड़ेगी। शादी और मातम का एक साथ परमिट लेने आए थे लेकिन ये बजा के चला गया। हम किसी और की बजा देंगे। आप अचानक आएंगे मैंने नहीं सोचा था। लड़की कहाँ है? ब्यूटी पार्लर गई है बाबू। तो ही चलते हैं ना। वो क्या है ना, ये अमेरिका गया तो 2 साल तक नहीं आ पाएगा, हमें इन 2 दिनों में संबंध करना होगा। अगर कुंडली मिल गई तो मुहूर्त भी निकाल लेंगे, इसलिए पंडित जी को साथ लाए हैं। अरे कुंडली तो बाद में देख लेंगे, पहले लड़की को तो बुलाइए, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। इस समय मुहूर्त अच्छा चल रहा है। वो कन्या आ गई। नाइस मेकअप यार। ये कौन है? मेकअप मैन है? मेकअप मैन नहीं, इसकी लाइफ का सुपरमैन हूँ। आई लव हर यार। तुमने खानदान कदम हट। रुक जाइए, इन्हें मारने का कोई हक नहीं आपको। फिर से MLA? ये पेमेंट भी गया। अमेरिका से रिश्ता आया कहकर इस लंफट से शादी करवाएंगे आप? लंफट? तुम ये क्या देख रहे हो? लंफट मीनिंग देखा ना आपने? वैसे प्यार करके शादी करने में बुराई क्या है? ये ऐसा वैसा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रसाद, बीटेक किया है और बैंगलोर में अच्छी जॉब कर रहा है, इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। ये प्यार करेंगे तो तू शादी करा देगा? उल्लू का पट्टा, तू कौन होता है फैसला लेने वाला? शादी करके आई अपनी बेटी को छोड़कर इस लड़के को क्यों मार रहे हैं आप? ऊपर से उल्लू का पट्टा, उसे गाली भी दे रहे हैं आप। जानते हैं कौन है ये? मेरा ही बेटा है। शाबाश, सब लोग इसे महान लक्षणों वाला आदमी बोलते हैं, आज मैंने देख भी लिया। अपनी बहन को समझने वाला एकमात्र लड़का है, बाप की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने बहन की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। सच में तुम्हारा बेटा MLA ही है, महान लक्षणों वाला आदमी। पापा वहाँ इसके दादाजी बहुत ज्यादा सीरियस थे, इसीलिए ये शादी करवाई। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हमसे बड़ी गलती हो जाती। बस बहुत हो गया, बाप ने लड़की देखने के लिए बुलाया और बेटे ने सीधे शादी करवा दी, उस पर सिचुएशन ये हाहा हो करके हंस रहे। हम कोई लाफ्टर चैलेंज के जज हैं क्या? अरे डैड ये नहीं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है ना, उसमें से एक लड़की ना ताजमहल की तरह मस्त लगती है। हे नाइस पैर यार, एंजॉय। ए बच्चों को पैदा करना ही नहीं संस्कार देना भी सीखो। ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब अंदर। क्यों अंदर बुला रही हो?
मेरी इच्छा के बिना शादी करके ये मर चुकी है मेरे लिए पापा। और इसका सपोर्ट करके मेरा बेटा भी मर चुका है। अब तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ, मैं भी इसके साथ बैंगलोर जाऊंगा, मेरा भी अच्छा बैकअप है। चलो जीजू। माँ तुम अंदर चलो। अरे जीजा जी, नहा रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो? तो चलिए एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। ओके। देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है, हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडर, ये लड़की पता नहीं कौन है लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं वहाँ पर आ जाती है, देखो जरा। हाँ। मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर एक घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। लाइए जरा दिखाइए। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी जीजू, लड़की है तो एक नंबर। भैया ये सब क्या है? जब तक जॉब नहीं मिलती सोचा घर का काम ही कर लेता हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रेडी है, तुम क्रिएटिविटी दिखा दो, मैं डायरेक्शन देख लूंगा। वैसे कहानी बहुत अच्छी है, अब इस फिल्म को जल्दी रिलीज करो, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। जीजू लंच बॉक्स। सुनिए, लंच के साथ मैंने नाश्ता भी रख दिया है, लंच के बाद फ्रूट खा लेना, नाश्ते से पहले जूस पी लेना, और फिर भी भूख लगे तो ये नमकीन खा लेना, तब भी पेट ना भरे तो इसमें चने रख दिए हैं। एक तकिया और कंबल भी रख दो, खाकर वहीं सो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, अगर काम पर जा रहे पति को तुम इसी तरह का खाना देती रहोगी तो आज जो ये फिट एंड फाइन दिख रहे हैं ना, वो बड़ी तोंद लेकर तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तुम अपने पति को जितना आलसी बनाओगी ना, तुम्हें उतने ही हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है। अपने पति को खाने के जरिए प्यार दिखाना गलत है? और क्या, उसी प्यार से डेली 10 किलोमीटर इन्हें दौड़वाना चाहिए तुम्हें, फिर देखना तुम्हारे हस्बैंड की फिटनेस। इस फिटनेस की बात बाद में करना, कल तुम्हारे लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, वहाँ दिखाना अपना परफॉर्मेंस। अपना कार्ड दीजिए, इसके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? यहाँ है, सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। फिर चेकबुक का मैं क्या करूँगा, तुम उसे भी रख लो। हर ससुर अपनी बेटी के साथ दहेज देता है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे दहेज में साला दिया है, वो भी बहुत खतरनाक। ए सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे, लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो, ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी, क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए? 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो, और 500 रुपए ऐसे दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए।
अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? व्हाट? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। आई लव यू। व्हाट? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था। परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चॉको चिप्स। ग्रेट, सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। टू चॉको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई। तुझे देख फास्ट होती मेरी हार्ट बीट, दिल बेचैन मेरा होता जब आती है तू लेट। दिल पे हो गया है तेरे इश्क का जादू, अब सब्र नहीं होता आ जिंदगी में आ तू। जब लड़ी 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 आंखें तुझसे दिल हुआ बेकाबू। You are girlfriend, girlfriend, मेरी है तू girlfriend। You are girlfriend, girlfriend, मेरी है तू girlfriend। You are girlfriend, girlfriend, मेरी है तू girlfriend, girlfriend, मेरी है तू। सूरत वो तेरी ही थी, चाहता था दिल ये जिसको, चाहत वो तू ही तो थी। एक पल में सौ बार नाम दिल तेरा ही लेता, यादों में सुबह शाम डूबा मैं रहता। फर्स्ट एंड लास्ट तू ही चॉइस मेरी, तू ही धड़कन दिल में वॉइस तेरी। मचानी खलबली खलबली जारी मन तूने मेरे दिल में। You are girlfriend, girlfriend, मेरी है तू girlfriend। You are girlfriend, girlfriend, मेरी है तू girlfriend। You are girlfriend, girlfriend, मेरी है तू girlfriend, girlfriend, मेरी है तू। सर, सर आपसे मुझे बात करनी है सर। देखो मैं लड़कों से बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए जो भी बात है जरा जल्दी बताओ। बस दो मिनट सर। ए जल्दी आ। सर ये कल्याण है। मॉर्निंग सर। अरे ये इतना स्मार्ट क्यों है? He got hurt। मैनेज करना होगा। हेलो दीदी। हाय सिस्टर। बड़ी माँ। ये तो सॉफ्ट लगता है। आई एम सेफ, लव यू मैन। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा साला है, आप इसे जॉब दे दीजिए, मैं मिठाई बांट दूंगा। क्या वो तो पता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जैसी बड़ी कंपनी का गरीब लोगों की सेवा करने का एक रूल होता है ना सर, उन सभी कामों को मैं हैंडल करूंगा और अच्छे से करूंगा। वैसे भी ये काम के प्रति बहुत ही मेहनती है, इसीलिए हर कोई इसे महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं, MLA। फाइल तो बड़ी मस्त है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? तो कब से आ जाऊं सर? सर अरे जाग मुसाफिर जाग। शुरू कर दो। ओके सर, थैंक यू सो मच। Today onwards, you are promoted as production manager. Thank you, sir. Thank you so much, sir. यही बात आकर शाम को गेस्ट हाउस में भी बोल देना। मुझे भी तो दे सकते हो ना प्रमोशन? हे ऊपर वाले कल्याणी, यू आर ओवर क्वालिफाइड। मेरा भी एक टेस्ट है। मेरा भी तो एक टेस्ट है सर, एक बार आप मेरे घर आओगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मालिक, जब मैं आपकी कंपनी में आया था
मेरे पास लोकल बस के भी पैसे नहीं थे और आज बहुत सारी बैंकों से लेकर स्विस बैंक में जितना छुपाना था सब छुपा दिया। वो सारा का सारा माल आपका ही था मालिक। क्या मालिक आपने मुझे कैसी सजा दी? चंटी जी, 20 साल पहले मैंने आपकी इस कंपनी में कदम रखा था और आज अपनी कंपनी मेरे हाथों में देकर आप अमेरिका सेटल हो गए और आज तक नहीं लौटे। कूल चंटी जी, कूल। ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है सर। और कितनी फाइल्स देखूं मैं सर? एक एक फाइल को देखते देखते मैं बहुत घायल हो चुका हूँ सर। सर कोई कोई फाइल तो ऐसी होती है कि जी करता है उसे तकिया बना के सो जाऊं। बार बार फाइल चेक करने का मन करता है मेरा। अगर इतना मुश्किल है तो यहाँ भेज दो ना, मैं देख लूंगा। अब इस उम्र में आपको क्या परेशानी देना सर, ये परेशानी मैं ही झेल लूंगा। ठीक है ठीक है। दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इंडिया जाने वाली है। ठीक है सर। बेटी ने अकाउंट्स में मास्टर डिग्री किया है, उसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो वो बोली कि मैं कहीं और नहीं अपनी कंपनी में ही करूंगा। सर बेटी वहाँ 2 महीने रहेगी। हाँ, यू डू वन थिंग सर, बेटी के लिए एक अच्छी सी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करो। ठीक है सर। सर क्या है? अपने प्लान एक्सटेंशन का सैंपल रेडी है सर। गुड, तो एक काम करो, तुरंत सर्वे शुरू करवा दो सर, और साथ में हमें एक पीए अपॉइंट करनी होगी। हाँ? तो फॉरन इंटरव्यू अरेंज करवाओ। जी सर। प्रसाद सर, सारी की सारी फाइल सोहन पपड़ी की तरह होनी चाहिए। एक दिन तू ना तड़प तड़प कर मरेगा। प्रसाद तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं सर। यू कैन गो। हेलो। हाँ पापा। फोन मत किया करो, कितनी बार बोलूं? पापा। तुम्हें जिससे बात करनी है वो यहाँ नहीं है। प्लीज पापा, मुझसे बात करो पापा। अगर मेरी बेटी को बचपन में चोट लगती थी तो रोना मुझे आता था, अब तुम्हारे रोने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। शायद तुम्हारे लिए मेरा प्यार मर चुका है। पापा प्लीज पापा, मुझसे बात करिए, फोन मत काटिए पापा। सर ये कैंडिडेट जो पीए इंटरव्यू के लिए आई हैं। क्यों रे? मैंने तुझसे फाइल रखने को कहा था, तूने नॉवल रख दी। एज का कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं? तू सारी आंटियों को लेकर आ गया। अरे फाइल का मतलब नहीं समझता है क्या? कोई देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी होनी चाहिए वो। एक्सक्यूज मी सर, चंटी सर कौन है? स्वीट, कम ऑन प्रिया। सर मेरा नाम स्मिता है। मुझसे शादी करोगी ना? चरित्रहीन, इंसानियत के नाम पर कलंक। नहीं सर, मैंने कुछ कहा ही नहीं। बेटा तूने जो मन में सोचा वो तू बाहर बोल गया। सर सॉरी सर, नौकरी से मत निकालिए, अभी शादी की है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है सर। अगर मैं तेरी तरह सोचता तो इस पोजीशन पर नहीं आ पाता। सर इसको इंटरव्यू के लिए भेज दे। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड? पापा शराबी हैं और भाई आवारा, पढ़ने के लिए अभी 2 बहनें बाकी हैं। बड़े भाई मोटर बाइक पर कपड़े लादकर गांव-गांव में बेचते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया, और ये सब देखकर माँ को हार्ट अटैक आ गया। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और तुम्हारी कहानी सुनकर कहीं मुझे ना आ जाए, मतलब कुल मिलाकर तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर तुम मुझे फेवर करती रहोगी तो मैं तुम्हें फरारी दिला दूंगा। आपका सेंस मैं समझ गई, पर मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। लेकिन मेरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए। आई जस्ट नीड सम टाइम। आज मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, औरतों की बातों के बहुत से अर्थ होते हैं जिसे ब्रह्मा भी न समझ सके। देवी यू आर सेलेक्टेड। स्मिता परफ्यूम कैसा लगा? अरे वाह, मजा आ गया, एक बार मेरे घर आओ तो। हम सोचते कुछ और हैं और हमें मिलता कुछ और है। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहां पर गया? वेलकम इंदु मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम आपको वहां पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहां पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। आई मीन टेम्परेचर मैडम।
हेलो, ये है स्मिता, आपकी पीए। हाय हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे अरे, अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया, और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं। चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर, अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तू फिक्र मत कर, वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए, मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए, इट्स फिक्स्ड। ए, हमें मिला दिया इंदु। ये मेरे लिए है? फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है, मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉई हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैंने ही दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था, लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सर, जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? Send him out, useless fellow, stupid। हाँ बोलो, और बोलो, और बोलो, बोल दीजिए। अरे तू पागल हो गया क्या? वो गालियाँ दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो, और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। सेटिंग तू आज कर ले, हे जाने जाना, हे जाने जाना। सनम तू जोड़ ले, दिलों का रिश्ता रे, हे जाने जाना, हे जाने जाना। I love you रे, टाइम ना कर तू वेस्ट रे, तेरे लिए हूँ मैं बेस्ट रे, दिल में बना ले तू गेस्ट रे, कर ले मुझे एक्सपेक्ट रे, ना कर रिजेक्ट रे। हे इंदु, ओ इंदु, कर ले मुझे सेलेक्ट तू। हे इंदु, ओ इंदु, तेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ। सनम मेरे साथ रे, सेटिंग तू आज कर ले, हे जाने जाना, हे जाने जाना। सनम तू जोड़ ले, दिलों का रिश्ता रे, हे जाने जाना, हे जाने जाना। सेलफोन में फीड कर ले, हेलो धड़कन जैसे, दिल में मुझे तू फिट कर ले, सोलो लाइफ को तू बना ले, अब डुएट रे, बोलो भी प्यार से करती हो मुझे प्यार रे, नखरे ना तू दिखला रे, अपना बना ले। हे इंदु, ओ इंदु, कर ले मुझे सेलेक्ट तू। हे इंदु, ओ इंदु, तेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ। Oh.
कुछ बिना चाहता। ब्यूटीफुल चेहरा ये निगाहों से मेरी ना हटता। झाको जरा दिल में बस मैं ही देखूंगा। प्रॉमिस है तुमको हैप्पी मैं रखूंगा। अब तो जन्म तेरे बिना ना जी पाऊंगा। हे इंदु ओ इंदु कर ले मुझे सेलेक्ट तू। हे इंदु ओ इंदु तेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ। हे इंदु ओ इंदु कर ले मुझे सेलेक्ट तू। हे इंदु ओ इंदु तेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ। हे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया है। शादी के बाद आखिर तुम्हारा ये पहला बर्थडे है। पापा के बिना ये मेरा पहला बर्थडे है किशोर। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कोई भी त्योहार धूमधाम से नहीं मनाते थे, सिर्फ मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। आज से इसे कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पापा। बेटियों के सामने कोई हो या ना हो, बस उनके पापा होने चाहिए, उससे हिम्मत मिलती है। और मेरे पापा फोन ही नहीं उठा रहे। पापा के बिना अब मैं कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। क्या तुम लोग अभी यहीं पर बैठे हो? चलो इसे साइड में रखो। चलो जीजू आजा, बहन केक काटते हैं। आजा, आज मेरी बहन का बर्थडे है, तुम्हें एक सरप्राइज दूं क्या? उधर देखो। थैंक्स भैया। सॉरी पापा जी, ये सब मेरी गलती से है। एक ही बात और कितनी बार बोलोगे बेटा, तुमने हर लेटर में यही तो लिखा है। हाँ, लेटर? फोन नहीं उठाएंगे इसलिए मैंने लेटर भेज दिए। ओके, आज मुझे पता चला कि तू क्या है। तू मेरा सबसे प्यारा शुभ चिंतक है। हे फॉरगेट इट। तेरे पापा कठोर जरूर हैं, लेकिन ये तुझे रोज याद करते हैं। हर बाप ऐसा ही होता है, बेटे को कंधे पर उठाकर पालता पोसता है, लेकिन बेटी को दिल में बिठाकर पालता है। 20 साल पाली हुई बेटी अगर किसी और के साथ चली जाए तो गुस्सा तो आता ही है बेटा। जब आपको गुस्सा आया तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं था पापा, उसमें प्यार भी तो था जो आपको यहाँ तक ले आया। अगर तुझे इतनी ही समझ थी बेटा तो मेरी एक छोटी सी बात पर घर छोड़कर क्यों चला गया? बचपन में आप ही ने तो कहा था पापा कि बहन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आज जब बात इसकी लव मैरिज की आई तो मैंने उसमें भी उसका साथ दे दिया। अपने मायके में हर लड़की रानी की तरह रहती है, लेकिन सच्चे प्यार की जरूरत उसे शादी के बाद होती है। ओह गॉड, मैं काम पर फोकस तक नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा हुआ मेरे सारे स्कैम सेफ हैं। हेलो, व्हाट? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, अब लेटे रहो। हमने नई फैक्ट्री बनाने के लिए शहर से बाहर 10 एकड़ की जमीन खरीदी, पर जब हम वहाँ सर्वे करने पहुँचे तो गुंडों ने हमें बहुत मारा। अभी जमीन पे हमारे भाई का कब्जा है। हमारी कंपनी के नाम पर जो जमीन है उस पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं सर? चुपचाप रहेगा तो सिर्फ प्रॉपर्टी ही जाएगी, ना नुकुर करेगा तो प्रॉपर्टी के साथ साथ तेरी जान भी चली जाएगी। दिस लैंड बिलोंग्स टू रंजीत सिंह। ये सारी जमीन रंजीत सिंह की है। जमीन रंजीत सिंह की है। आपकी कंप्लेंट लेकर मुझे FIR करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको जमीन चाहिए तो आप रंजीत से सेटलमेंट कर लीजिए। चंटी जी,
रंजीत सिंह को इमीडिएटली सेटलमेंट के लिए बुलवाइए। पीए हो, पीए की तरह रहो, हमें सलामत दो। सॉरी सर, एसीपी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अभी उससे फोन पर बात करता हूँ। सर, हाँ? एसीपी साहब की जमीन पर जब उसने कब्जा किया था तो 3 करोड़ में सेटलमेंट हुआ था। कुछ लोग बहुत ही टेढ़े होते हैं और उन्हीं में से एक वो है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। क्या हुआ, ये किस तरह का अन्याय है? इतना कुछ हो गया और मुझे बताया नहीं। मैं इस कंपनी से सैलरी लेता हूँ तो क्या इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बताया क्यों नहीं? क्या लेगा रे, जब इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन ही नहीं है हमारे पास। देखिए सर, जब ताला बनाते हैं तो उसकी चाबी बनाई जाती है, इसी तरह से प्रॉब्लम का भी सलूशन होता ही है। ऐसी लुभावनी और दिलकश बातों से तू लड़कियां तो आराम से पटा सकता है, क्या रंजीत से लाइन लेके आ सकता है? लाऊंगा। तुम प्रॉमिस करो कि अगर मैं उसे लेकर आया तो तुम मैडम से मुझे आई लव यू बुलवाओगे। क्या बोला, ये क्या बात कर रहा है तू? मैं उस गुंडे से लैंड वापस लेकर आऊंगा, पर क्या मैडम आई लव यू बोलेगी? हाँ बोलूंगी। मैडम इतनी जल्दबाजी मत करो। आप चुप रहिए चंटी जी, अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे लाइफ में दोबारा शक्ल मत दिखाना। तो डील डन? डन डील, लेकिन इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके? मैडम उसे प्यार के लिए हाँ क्यों बोल दिया आपने? रंजीत को देखा है आपने, वो कैसे भी उससे लैंड छुड़ा नहीं सकता, कम से कम इस बहाने इससे तो पीछा छूटेगा। आहा, क्या जबरदस्त प्लान बनाया मैडम आपने, जख्मी शेर के आगे फेंक दिया उसको, अब तो नरबली होगी। रंजीत कितना खतरनाक इंसान है पता है? तुम लोग मुझे डराने की जगह उसके बारे में कुछ और क्यों नहीं बताते, जैसे उसका कोई साइड सेटअप वगैरह वगैरह। चुप कर, क्या बकवास कर रहा है तू? वो अपनी बीवी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो पतिव्रता आदमी है, मैं सलाम करता हूँ, तू बोल। जैसे राम जी की सीता वैसी रंजीत की पत्नी। ओ, मुझे तो ये लगता है उनकी शादी अरुंधति नक्षत्र में हुई है, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। उन दोनों का पेट नेम भी एक है, हनी, उसके प्यार की निशानी सोहनी माहवाल। लोगों से दूर उसने दमयंती पैलेस बनाया है। बाय हनी। अगर उसे जुखाम होता है तो इसे छींक आती है, भूख इसे लगती है तो खाती वो है। अरे मैंने उसकी लव स्टोरी देखी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, अगर इसमें ट्विस्ट लाना है तो मुझे लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान चाहिए जो ऊपर से नीचे तक बस शातिर। एग्जैक्टली, तुमने जो मेजरमेंट बताया है वो हैदराबाद में एक ही है। लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका, 400 बीसी में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है, कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है, हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है, मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं, यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं, यू नो सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं, मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कमॉन। ये है सीबी राव, गुजरात के गूगल में सीईओ थे, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले, बहुत चालू चीज है ये। ये छोटे उस्ताद एस एन शर्मा, गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है, कुत्ती चीज है ये। ये है विटनेसेस, हेलो, ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये है मथुरा लाल, नाम बड़ा सुंदर है इनका लेकिन कर्म कंस जैसा। सर आपकी टीम तो बहुत अच्छी है, मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो, जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना।
अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी, ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी टच मी। हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा। वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice. हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने। नहीं, मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन है तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा। घर भाड़े पे दोगे? ए पंडित, ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहां नहीं गए थे। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं। थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार? जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे मैं जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक MLA आ रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। MLA साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस, चलिए सर। राइट। सर, आप MLA हैं? हाँ, MLA, महान लक्षणों वाला। देखा ना, अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार, एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे MLA यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ के MLA है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। आई हेट पॉलिटिशियंस। सॉरी सर, जो इज्जत आपको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। खामखा लोग मुझे MLA समझ बैठे। फिर मिलते हैं। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा? व्हाट? मैं रेडी हूं। रोल कैमरा, एक्शन। कट 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 सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा? जो कहा है वो करो। कट। Thank you.
सीन कैसा था? अरे बाप रे, बहुत अच्छा है सर। ऐसे चिपक गई जैसे जुकाम हो गया, छोड़ेगी नहीं क्या? एक बार मेरे घर चलोगे तो? मैं अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरे घर जाऊं, छोड़ दे। कल्याण पर मुझे बहुत रहम आ रहा है, सिंसियरली प्यार करता है वो तुमसे। डोंट बी फूलिश स्मिता, इस तरह की सेंसिटिविटी सिंपैथी देखकर मैं प्यार नहीं कर सकती, मेरी हालत तुम जानती हो ना। साहब 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 रुकिए साहब। नमस्ते साहब, दिवाली का बोनस दीजिए। कौन है तू? साहब मैं सब्जियां बेचता हूँ, 4 साल से तो देख रहे हैं आप। ठीक है जा। साहब जी, हनी मालकी नहीं है क्या? हनी तेरी नहीं मेरी है बे। कौन है बे तू? मैं इस्त्री वाला हूँ, आपके शर्ट का कॉलर जल गया था इसलिए कपड़े देना बंद कर दिए। मालकिन को थोड़ा बोलिए ना। हाँ ठीक है, बोल दूंगा। हाँ। जा। जुड़ने लगी है कड़ी से कड़ी, देखो ये जुर्म के सारे पक्के सबूत मिले। सच है क्या ये सामने आया रे, अब तो ना कोई बचेगा अदालत में। होगा रे होगा रे, न्याय अब होगा रे होगा रे। सर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। सब होगा रे होगा रे, न्याय अब होगा रे होगा रे, सब होगा रे न्याय अब होगा रे, न्याय अब होगा रे होगा रे होगा रे, न्याय अब होगा रे। कब्जा, यहाँ किसने कब्जा किया? देखिए ये पहले सुन का है, आपने और आपकी पत्नी ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने केस किया है, ये रहा उसका नोटिस। किसने केस किया भाई, बोलो तो अभी मार के फेंक देता हूँ। हनी, ये हमारे प्यार की निशानी है, इस पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से हम जीतेंगे। ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। हे, हमने चाहे कितने भी कब्जे की हो लेकिन ये ईमानदारी का है, सब लीगल है, कोर्ट में देख लेंगे। ओके सर। तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो? वाइफ एंड हस्बैंड। तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? मैंने पूछा तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी, मंदिर में, चर्च में, या फिर अपने ही घर में मंडप लगा कर कर लिए थे? मैरिज सर्टिफिकेट है क्या? एटलीस्ट शादी वाली फोटो तो दिखाओ। भले ही हमने शादी नहीं की है लेकिन जल्दी करने वाले हैं। सुन लिया आपने योर ऑनर, इन दोनों की शादी नहीं हुई लेकिन साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आखिर ये लोग समाज को बताना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, इसका इनके पास कोई सबूत है क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या कह रहा है, ये राशन कार्ड क्या कह रहा है, ये आधार कार्ड और फिर ये पासपोर्ट क्या कह रहा है? मिस्टर मिसेज रंजीत सिंह यही है, गवर्नमेंट मानती है। हो सकता है, लेकिन पैलेस के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सर ये मेरा घर है सर, आप चाहो तो कॉलोनी वालों से पूछो। वो कॉलोनी वाले यही हैं। हेलो लाल गमछा। हाँ सर। थर्ड रो। तुम नहीं बैठो, बगल वाला। हाँ हाँ तुम दोनों जरा इधर आओ। इन्हें तुम जानते हो? मेरी कॉलोनी वाले, एक सब्जी वाला है एक प्रेस वाला है। कब से जानते हो? 4 सालों से जानता हूँ। ओह तो बताओ इनमें दमयंती पैलेस का ओनर कौन है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन दमयंती पैलेस के ओनर ये है सर। ओए झूठ क्यों बोलता है? उस दिन दिवाली थी ना और तू मेरे घर आया था। समझ गया, ये लोग भी इन्हीं के आदमी है। जय साहब, मैंने नहीं देखा इन्हें। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, अभी अभी कहा था कि 4 साल से जानता हूँ, अब कह रहे हैं कि नहीं जानता, इसका मतलब तुमने इन्हें भी नहीं देखा। हनी हम बोलेंगे देखा है तो फंसाएगा, हम बोलेंगे नहीं देखा, नहीं देखा। योर ऑनर, इस महीने की 17 तारीख के उस पैलेस में लगे CCTV कैमरा फुटेज को आप जरा खुद ही देख लीजिए। देख लिया जैसा आपने,
मेरे क्लाइंट जब उपमा खा रहे थे तो इन्होंने जबरदस्ती कैसे पैलेस से बाहर निकाल दिया। ये सब ट्रैप है, ये लोग उस दिन घर किराए पर लेने आए थे। किराए पर लेने वाले आदमी इतने प्यार से उपमा खाते हैं, अब और किसे धोखा देना चाहते हो? योर ऑनर, ये साफ नजर आता है कि ये सारे विटनेस पट्टावी जी ने ही क्रिएट किए हैं। अगर सच में यही घर के ऑनर है तो इसके पहले की फुटेज भी इनके पास होनी चाहिए। लेट्स चेक। दिखाइए। अब इसे क्या कहेंगे? ये सब मैंने शूट करके पैलेस के सीसीटीवी फुटेज बदल डाले। यस, ये सब तुमने ही किया। जज साहब, अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए ये दोनों पति पत्नी की एक्टिंग करके मेरे पैलेस पर कब्जा कर रहे हैं। ओह, तो असली प्लान ये था। अब मुझे अपने आप को ही बचाना होगा। एग्जैक्टली योर ऑनर, इस रंजीत ने इनकी कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बीच में आने वालों को मारा। हाँ हाँ, मारा। अब बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पर कितनी तकलीफ होती है बताने के लिए, मेरे क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसलिए झूठे गवाहों के सहारे मैंने अपराधी के मुंह से सच उगलवाया। सच की जीत हो इस पवित्र उद्देश्य से झूठ का सहारा लेना पड़ा, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। समझे या नहीं? थैंक यू योर ऑनर। अपराधी ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसने जिस जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन उसे वापस लौटानी होगी। अदालत का यह फैसला है कि जो जो लोग इस केस में शामिल हैं उन सभी लोगों को इस अपराध के लिए 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। दमयंती कहाँ पर है? भाई, जब तक कोर्ट से पैलेस वापस नहीं मिल जाता वो बात नहीं करेगी, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगी। उसे खाना देते हैं तो वो खाती भी नहीं है। वो लड़का कौन है? वो आया कहां से था? पहली बार मुझे 4,000 करोड़ का झटका लगा है। मेरी दमयंती से मुझे दूर कर दिया। तू जितने चाहे उतने लोगों को लेकर जा, लेकिन किसी भी हालत में उसे वो जमीन नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बेटी, ये नारियल तोड़ो। इसे मैं नहीं तोड़ूंगी। कल्याण, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक खोपड़ी निकला। मैंने तो सिर्फ कंपनी का पैसा चुरा, इसने तो मैडम का दिल चुरा लिया। आप भी तो चुरा सकते हो ना, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? बोला ना रिया, चला। ये आपको कितने प्यार से बुलाती है, आप चले क्यों नहीं जाते? तू जा। क्यों डर गया क्या? वैसे एक बात ये बता, तू क्यों बार बार घर बुलाती रहती है? तेरा घर कोई ताजमहल है क्या और मैं कोई शाहजहां हूं जो तेरे वहां आऊंगा? वैसे भी तू मुमताज नहीं है। कल्याण, तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है, वेट करना। Sure. Hey, double congrats. Thanks, शाम को मेरे को पार्टी चाहिए, दारू तेरी चखना मेरा। अरे दोनों मेरी तरफ से होंगे। ठीक है। सबके सामने बोलने में शर्म आ रही थी इसलिए यहाँ आई। मैंने उस दिन रंजीत से डील के लिए हाँ कहा, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन तब से तुम्हारे किए हर काम में तुम्हारा मुझ पर प्यार, तुम्हारा मेरे लिए केयर करना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे आई लव यू कहने की जिद करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे संस्कार मुझे पसंद आए, लेकिन मैं खुद को कितना भी कन्विंस कर लूं, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं जहाँ की हूँ वहाँ के हालात अलग हैं और तुम्हारे अलग हैं, मेरे गोल्स अलग हैं, मेरी लाइफ अलग है। सॉरी कल्याण, हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कई रॉन्ग लोगों से मिलते हैं, तुम मुझे भी वैसा ही गलत इंसान समझ लो। गलत तुम नहीं बल्कि मैं था। पहले दिन से ही तुम अपनी जगह पर ठीक थी। वो तो मैं ही
मैजिकल बॉन्ड और कोइंसिडेंस बताकर तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगूंगा। आई एम सॉरी इंदु। एक बात और इंदु, मैं अपने दर्द को तो छुपा सकता हूं लेकिन प्यार को नहीं। आई लव यू। परफॉर्मेंस अच्छी थी तेरी, पैसे लेकर लड़की को उठाने की तूने पूरी पूरी कोशिश की, पर अब्बास अगर तू लड़की को छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। पहले तो तू अपनी जान बचा। मेरे पास अच्छे लक्षणों के साथ साथ बुरी आदतें भी हैं। अगर मैं मारना शुरू करता हूं तो कंट्रोल नहीं रहता। फिर सामने वाले का बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर मैं मारने पर आ गया तो समझो वो खलास। जाकर उस रंजीत को बोल देना, अगर दोबारा इस कंपनी या चेयरमैन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मार दूंगा। रंजीत? ये रंजीत कौन है और ये चेयरमैन की बेटी कहां से हुई? तुम्हें धोखा देकर चेयरमैन की बेटी बनकर आई है ये। असलियत में कौन है ये तुझे पता नहीं? वीरभद्रपुर के एमएलए रवि यादव की होने वाली पत्नी है ये। जो हमरा है उस पर कोई और अपनी नजर डाले तो उसे खोज कर हम मारता हूं। खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों।
जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। स्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहें। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। अब बताओ तुम कौन हो और चेयरमैन की बेटी बनकर क्यों आई हो? मैं वीरभद्रपुर से हूँ। पापा का नाम नागेश्वर है। जो सोचते हैं उसे कर दिखाने में उनसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं। भले ही तुम लोग भीख मांगो या फिर सड़क पर रहो, लेकिन मैंने जो सोचा है वही करूँगा। मैं यूएस में पढ़ाई कर रही थी, तभी पापा को हार्ट अटैक आया और मैं इंडिया आ गई। नमस्ते, बैठिए। बैठिए, बैठिए। फिर मिलेंगे अंकल। उस बात का मतलब बाद में पता चला। हम सोचे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, काहे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन पहली बार तुम्हें देख के लगता है तुमसे शादी कर लूं बाबू। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुमको एक कहानी सुनाऊं। एक बकरी कसाई के पास जाके कहती है कि मैं बहुत मासूम हूं, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कसाई बहुत ही बेरहम था। उसी वक्त छुरी से उसे खचाक से काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? उस बकरी की भाषा को कसाई नहीं समझा। अगर तुम्हारा किसी से प्यार हुआ तो उसका खून करके तुमसे शादी कर लूंगा। बाय। मुहूर्त निकलवाओ ससुर जी, सासू माँ, अब हम चलता हूं। बाबू अब शादी पर ही मिलेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन उससे ही तेरी शादी होगी। क्यों पापा, उसके डर से इसकी शादी करवाओगे? डर से नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से। इंदु, तुम इसी वक्त अमेरिका चली जाओ। वहाँ कहाँ रहोगी मत बताना। चल, इधर दे। पापा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ये शादी होकर रहेगी। अगर और एक पल वहाँ पर रही तो कहीं उससे शादी न करवा दें, इसीलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा और मैं एमडी बनकर तुम लोगों के सामने हूँ। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सॉरी मैडम। बदतमीज कहीं के, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आंखों में गंदगी भरी है तेरे, अपनी नजरों को नीचे रखना। रियली आई लाइक यू मैडम, सॉरी सॉरी मैडम। छी, इसीलिए मैंने इंदु को एमडी बनाया और खुद पीए बन के यहाँ आई। जितना तुमने मेरी कंपनी से लिया था ना, वो सब वापस ले लिया।
इंदु यहाँ पर है ये बात रवि यादव को नहीं पता। तो फिर इसे जो लोग लेकर गए थे वो लोग? वो इंदु के पापा के भेजे हुए लोग थे। सोचा जब तक इसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता ये यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता लग गया। तुम्हारे इतना मजबूर करने पर भी मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती थी पर जाहिर नहीं की। तुमने मुझे वाइफ का नाटक करने को कहा तो गुस्से में एक्टिंग की कि कहीं रवि यादव की वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you, कल्याण। I love you, बाबू। भाई, इसे कहाँ फिट करूँ? पीए कुमार राज को बुलाओ। आ रहा हूँ साहब। हम जानते हैं कि हम औरत लोग के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फायदेमंद हो। हमरे जैसन एक्सपीरियंस्ड को अपने पास रखोगे तो खुदे लाइफ में ऊपर जाओगे, इसमें कोनो शक नहीं। लेकिन हमरे जैसन छोटा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने में रवि यादव की फैमिली का हाथ है सर, और अब फल आप खाना चाहते हो सर, ये तो गलत है। आपको डबल सैलरी दूंगा, 2 BHK वाला फ्लैट दूंगा। ऑफर नहीं चाहिए सर, हमको हमारे काम की बस इज्जत चाहिए। इस घर के किचन से हमको जो भी चाहिए हम उठाकर खा लेते हैं सर, जानते हैं। चाहो तो 1 लाख और दे दूंगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रहा का? अरे आप कुछ भी ऑफर दोगे लेकिन हम ये रिश्ता को तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। अरे बाप रे, इसे यहाँ किसने रख दिया? ससुर का नाती आंख से दिखता नहीं है का? गाली कहे दे रहे हैं, ये गलत है सर। अरे हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अरे रुक जाइए, 3 बखत के खाना के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं खाया है। हमारी लॉयल्टी को आप ये रॉयल्टी दे रहे हैं? हमारे बिना आप असेंबली में कदम भी नहीं रख सकते। डरा रहा है हमको, निकल बाहर। अरे बाप रे, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालता हूँ, आउट। अरे गुस्सा में कोनो फैसला मत लीजिए, हमरे जैसन भरोसा वाला पिया आपको नहीं मिलेगा। मैं हूँ सर, झिंगा बाबू सर, बी ए मैकेनिकल, ए एम ए इलेक्ट्रिकल, एम आई ए केमिकल, डी पी एम, बी पी एम, डी एम एम, टी जी डी सी ए टेलीफोकस ऑटो कैन। बस बस, आज से तू हमारा पीए है, सैलरी 50,000। सर मैं कुछ और करने आया था लेकिन मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया सर। कह रहे पढ़ाई की थी या चढ़ाई की थी? कुछ भी समझ ले। अरे बाबा, टैरिफ बदला हो या नेटवर्क बदला हो, लेकिन 4 साल से आपका ही वॉलपेपर मेंटेन कर रहा हूँ। आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, भले ही हम भीख मांग कर खा लूं, लेकिन इसे वो लड़की नहीं मिलनी चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो? अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है तो तुम लोगों को अलविदा कहने आया। अच्छा, तुम दोनों? यस। क्या बात है। अरमानी सूट आशिक तू क्यूट, अंदाज गजब तू मस्त मुंडा है। ब्यूटी क्वीन है तू, ड्रीम गर्ल है तू, वेरी क्यूट है तू, मस्त कुड़ी है। अरे डांस तू कर ले मेरे साथ, तू यारा बाते नाची कर ले मेरे साथ, तू यारा। तेरी अदा देसी मैं हुआ क्रेजी, जाने जिगर पास इधर आ। मोस्ट वांटेड मुंडा, लव का मेला मौका, मार ले तू ट्राई। कुमारी तेरी है छाई, नखरे तेरे है हाई, अदमस है तेरी। लड़का मिला तो झकास, लड़की मैं बनी झकास, अपनी जोड़ी है झकास, दोनों वही तो झकास। अरमानी सूट आशिक तू क्यूट, अंदाज गजब तू मस्त मुंडा है। हर कोना तेरे बिना है ये सुना, तेरे लिए ही चली आई मैं मुंबई से पूना। रूप तेरा ये सोना, कर गया जादू टूना, इश्क तेरा है चल जैसा दिल तेरा सोना। रंग लाएगी ये लव स्टोरी, लव ये अपना सुपर हिट होगा। मोस्ट वांटेड मुंडा, लव का मिला मौका, मार ले तू ट्राई।
सारी तेरी है छाई, नखरे तेरे है हाई, अदमस है तेरी। मुझे चांस मिला लव का आज ना करूंगी मिस, तेरे सिवा ना कुछ चाहूंगा, दिल में किया है फिक्स तुझे, सांसों ने भी मेरी धड़कन ने भी तुझे को किया मिस, तुझे ही चाहूंगा सनम मैं लाइफ टाइम, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। मोस्ट वांटेड मुंडा लव का मिला हम मौका, मार ले तू ट्राई, हमारी तेरी है छाई, नखरे तेरे है हाई, अदमस है तेरी। सॉरी इंदु, मैं जानबूझकर तुम्हें यहां लाया हूं। अंकल, आपके लोगों को पीट कर और भगाकर बिना शादी किए आपकी बेटी को यहां लेकर आया हूं। प्यार करके शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती अंकल, मैंने खुद अपनी बहन की लव मैरिज करवाई है, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से। लेकिन बाद में समझ में आया कि माँ बाप को पहले ना समझाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तो माँ बाप मान गए, वरना वो जिंदगी भर रोती रहती। अंकल, उस दिन पापा के खिलाफ जाकर बहन की शादी करने की हिम्मत तो आ गई, लेकिन एक पल के लिए भी मैंने माँ और पापा की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा था, और वही गलती मैं अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं करने वाला। आपके आशीर्वाद के बाद ही आपकी बेटी से शादी करूंगा। तुम मुझे पसंद आए, तुम में इंसानियत है, लेकिन मुझे पोजीशन चाहिए। इस पूरे जिले में हमारी ही बड़ी जमींदार फैमिली है, नाम है, पैसा है, लेकिन पद नहीं है। एमएलए बनकर असेंबली में कदम रखने का सपना था मेरे पिताजी का, चार बार चुनाव में खड़े हुए लेकिन हार गए। उसी दुख में मरते वक्त हमारी फैमिली से कोई एक एमएलए जरूर बनना चाहिए, ये कहकर मुझसे वादा ले लिया। उसके लिए मैं भी मैदान में कूद पड़ा, अपने बेटे को भी खड़ा किया, लेकिन जीत नहीं पाए। पूरी जायदाद खत्म हो गई, बस उधारी बची, और आखिर में मेरे अपने लोगों के सामने मूर्ख साबित हुआ, फिर भी मुझे गम नहीं है। पिताजी को दिया वादा पूरा किए बिना मैं मर ना जाऊं, सोचकर डर लगता है। फिर रवि यादव ने खुद ही मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांगा, भले ही मैं एमएलए ना बन पाया, लेकिन एमएलए का ससुर तो कहलाऊंगा। किसी जमाने में किसी को किए हुए वादे का सम्मान आपकी बेटी से ज्यादा है ना? अगर तुम्हारा प्यार इतना महान है तो तुम एमएलए बनकर मेरी बेटी से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एमएलए कैसे बन सकता हूँ? अभी कभी रवि यादव से राजीनामा दिलवाना, बाय इलेक्शन करवाना और उससे जीत पाना, इम्पॉसिबल। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, अगर तुम एमएलए बनोगे तो तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वरना उससे शादी करवा दूंगा। वो बुरा इंसान है, अच्छा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एमएलए है इतना काफी है, शादी की तारीख फिक्स है, दूल्हा एमएलए होगा। वो तुम होगे या वो होगा ये तुम डिसाइड कर लो। क्या हुआ बेटी, देख लिया तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है? रवि यादव का नाम सुनते ही कैसे वो तुम्हें छोड़कर चला गया, ये है पॉलिटिक्स का पावर। रुक
रुकी हम सुने हैं तू किसी से प्यार करती है कौन है कौन है वो बस अड्डा रेलवे स्टेशन चेक पोस्ट हर जगह ढूंढवा रहा हूँ थोड़े ही देर में उसे यहाँ पर लाकर उसके सामने ही तुझसे शादी करूंगा ऐसे डरपोक आदमी से तुमने कैसे प्यार कर लिया हाँ। आप उसे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं वो तो आपके घर में आराम से आपका इंतजार कर रहा है सर वो डरने वालों में से नहीं है डराने वालों में से है ए, चलो चलो ए, तेरी इतनी हिम्मत सीधे यहाँ चला आया अरे अरे शांत हो जाओ देखो मैं यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ शांति से बात करेंगे थोड़ा गैप दे दो प्लीज प्लीज हटो भैया तुम यहाँ पर उस दिन तुम्हारी जगह मुझे एमएलए समझ बैठे थे और एमएलए बनाना भी तो तुम्हारे हाथों में है व्हाट अ कोइंसिडेंस है मुद्दे पर आओ वो क्या है ना भैया मेरी लव स्टोरी तो आपको पता चल ही गई होगी अब नागेश्वर जी ने कहा है कि अगर मैं एमएलए बन गया तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे अगर आप राजीनामा दे देंगे तो मैं एमएलए बनकर उससे शादी कर लूंगा इतनी सी बात है पहले सर को चाय पिलाओ क्या कहा तूने मैं राजीनामा दे दूं तो तू एमएलए पद जीत जाएगा बाबू हाँ भैया मैं जीत जाऊंगा तुम्हारा यहाँ खड़ा होने का कोई चांस नहीं है ना ही साथ देने वाला कोई साथी है तू कैसे जीतेगा बस एक बार आप राजीनामा तो दे दीजिए सर ओए बकवास बंद कर दिमाग खराब हो गया क्या हमारे राजीनामा देने से तू कैसे जीतेगा तुमको यहाँ पर 4 वोट भी नहीं मिलेंगे मेरे लिए आप इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं जीतना ना जीतना तो मेरी किस्मत है वैसे आप कह सकते हैं कि मुझे 4 वोट भी नहीं मिलेंगे लेकिन असलियत तो मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगी देखिए किसका फोन है हाय इंदु अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैंने समझा दिया है और वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं अगर मैं प्यार के लिए मैदान में उतर सकता हूँ तो क्या वो प्यार के लिए मैदान छोड़ नहीं सकते ओके डार्लिंग बाय बाय आपके सामने ही भाभी को चुम्मी दे रहा है आप इससे बात क्या कर रहे हो भाई कूलर तो टपका दो इसे हमेशा बराबरी वालों को मारते हैं इसको मारेंगे तो अपना स्टेटस नीचे आ जाएगा सुन चुपचाप चला जा राजीनामा दे दो मैं चला जाऊंगा तुझे देखकर एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा है दूसरी तरफ हंसी आ रही है इससे पहले दिमाग खराब हो तू चला जा ओके भैया अब मैं समझ गया हूँ मैं चलता हूँ रुक क्या समझ गया हा? छोड़ो ना भैया मैं समझ गया ना मैं चलता हूँ क्या समझ गया बोल राजीनामा दोगे तो तुम हार जाओगे हम हार जाएंगे अगर राजीनामा देने के बाद तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे ये बात तुम जानते हो और इसी बात का डर है इसे क्यों सच कहना मेरे सामने खड़े होकर जीतना तो दूर मेरे सामने खड़ा होना ही नहीं चाहते और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है अभी मार डालता हूँ तुझे अरे मार डालो भैया तुम्हारा डर भी तो बाहर आना चाहिए ताकि तुम्हारे लोगों को पता चले बहुत ही सिंपल है भैया आपके राजीनामा करने से मैं जीत गया तो इंदु से मेरी शादी हो जाएगी हार गया तो मैं खुद इंदु की शादी इनसे करवा दूंगा हाँ इसका कहना तो ठीक है सर मैडम जी को आप पसंद नहीं थे इसलिए वो घर से भाग गई थी कहीं शादी के बाद इसके साथ भाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे उस बेइज्जती से बचने के लिए इसकी बात मान लीजिए अगर आप राजीनामा देकर इलेक्शन में जीत गए तो मैडम की नजरों में हीरो बन जाएंगे उसके बाद आप देखिएगा सर इसका पत्ता खुद ही कट जाएगा हम राजीनामा दे रहा हूँ तुमको जिताने के लिए नहीं तुम्हारी सोच गलत है यह साबित करने के लिए वाह थैंक्स भैया तुम इतनी आसानी से मान जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था इसलिए एक सेल्फी हो जाए एक ऑटोग्राफ थैंक्स भैया चाय आने से पहले ही राजीनामा करवा गया मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है आपने सुना ही होगा कि रवि यादव ने राजीनामा दे दिया अब तो बस एक ही काम बाकी है मेरा और इंदु की शादी का मुहूर्त निकलवाना चलो इस बात को मानता हूँ कि तुमने उसे कन्विंस करके राजीनामा ले लिया पर एमएलए बनने के लिए तुम्हें लाखों वोट चाहिए कौन दिलवाएगा वोट हम दिलवाऊंगा आपको वोट सर उसका राजीनामा सुनते ही हम अन्न दान किए रक्त दान किए आप कहोगे तो हम प्राण दान करने के लिए भी तैयार हूँ
उसने राजीनामा दिया, इसमें आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? हम राजकुमार हूँ, रवि यादव का एक्स पीए। मतलब आप बहुत हर्ट हैं। आइए ना सर, बताता हूँ। आप परेशान मत होइए सर, रहने के लिए अपना घर दे दूंगा, अपना शरीर को बेचकर आपको एमएलए बनाऊंगा। राज भाई, आज के जमाने में लोग इस तरह से पानी लेकर जा रहे हैं? सर, बारिश में नदी में पानी तो भरता है लेकिन घर में नहीं आता। चलो बैठो आराम से। राज भाई, हाँ, यहाँ स्कूल ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्कूल में बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं है। ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ स्कूल नहीं है? होते हुए भी यहाँ के लोग पैसों के लिए बच्चों को काम पर भेजते हैं। इन गरीबों की भूख से ही रवि यादव का बिजनेस चलता है यहाँ पर सर। इस तरह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके बारे में बाद में सोचिएगा, अभी अपना लव मैटर का सोचिए। कल है नॉमिनेशन है, बहुत काम है अभी। धन्यवाद सर। रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद। हम लेकर आपका असली लीडर, इकलौता आपका असली नेता, इनको देखिए ये है। सुनो, कैमरा यहाँ घुमाओ। आप देख ही रहे होंगे, पहली बार विपक्ष में कोई भारी तरीके से नॉमिनेशन के लिए आ रहा है, ऐसे में उसकी स्टैमिना क्या होगी आप खुद ही देख लीजिए। कल्याण बाबू और भाई सुरेश, हाँ, सब ठीक? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा राधा, क्या पूछना है बोलो। सर, सोचा था आप कार या वैनिटी से आएंगे, लेकिन आप इतने सिंपल हैं कि रिक्शे से चले आए। राधा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐश और आराम के लिए नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जनता को सही राह दिखा सकूं, और यही मेरा संकल्प है। अगर खून बहे तो कांटा निकालूंगा, अगर चोट लगे तो पत्थर हटा लूंगा, अगर बारिश हुई तो भीग जाऊंगा, लेकिन वो महंगी कार में घूमता है क्योंकि उसका टारगेट है पैसा और मेरा जनता। आप बात बात पर जनता की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो एक भी जनता नहीं है। 100 की शुरुआत भी 1 से होती है दोस्त। मेरी जनता मेरे पीछे नहीं, बैलेट बॉक्स के अंदर है। पेड़ की ताकत जड़ों में और जड़े भूमि में होती है। नदियाँ कितनी भी उछाल मार ले, लेकिन मिलती है समुद्र में। अगर वो नदी तो मैं समुद्र, अगर वो पेड़ तो मैं भूमि। मुझे लगता है ये फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखता है सर। आप लोग हमारे लिए तुरंत चले जाए, हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राज भाई, जरा इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। पहले आप चाय तो पीजिए। आप यहाँ पर दो कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, इन्हें देखकर लग रहा है कि वीरभद्रपुर में कौन जीतेगा इस बात पर बहस छिड़ने वाली है। ये हमसे बहस करेगा? इन्हें प्रपोज कौन कर रहा है? हम कर रहा हूँ जी। यहाँ पे साइन कर दीजिए। साई राम। साई जो सपोर्ट करेंगे उसकी यहाँ एक साइन चाहिए। बाहर कौन है? यहाँ कोई नहीं है। क्यों रे झिंगा बाबू, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला तो नॉमिनेशन मिलेगा ही नहीं। मैं हूँ यहाँ। भैया एक मिनट, मैंने कहा था ना तुमसे कि 100 की भीड़ की शुरुआत 1 से होती है, आज देख लिया ना। अगर एमएलए पद जीतना है तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है, पैसे लुटाने पड़ते हैं। तुमने पहले क्या कहा था, अब अपनी आंखों से देख रहा है ना क्या हो रहा है। मीडिया का फोकस अब मेरे ऊपर है और अब ये ही कंटिन्यू होगा। राज भाई, आगे की बात आप करें। अब फिर से कमर बांध लीजिए, इनको एमएलए बनाकर ही दम लूंगा। ए! इतने सालों तक एक पीए एक लीडर के पीछे रहकर कैसे चलाता है तो तुमने देखा, अब आगे रहकर कैसे नेता को बनाता है ये मैं दिखाऊंगा। अपने मूंछों पर ताव दीजिए। ये मूंछें तो कम है ना? अरे ये तो फैशन है। फिर ठीक है। बोलिए सर, होम लोन चाहिए पर्सनल लोन? पॉलिटिकल लोन सर। पॉलिटिकल लोन हम नहीं देते हैं, 5 साल में जैसे कुर्सी बदलती है वैसे हम भी बदल जाते हैं। पर्सनल लोन की गारंटी कोई नहीं देता तो फिर हम कैसे दे दें? किसी एक चालक लड़के ने रवि यादव से राजीनामा लेकर बाई इलेक्शन भी करवा रहा है। वो मैं ही हूँ सर। हा? तो वो लड़के सच में तुम ही हो? हाँ सर। आराम से बैठो बेटा, उससे तुमने ही राजीनामा लिया। सुनो, सर को ठंडा लाओ। मुझे नहीं चाहिए सर। मैंने दारू नहीं मंगवाई बेटा। उसके राजीनामे से आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे? मैं लोन देते वक्त प्रॉपर्टी के अलावा पर्सन्स फेस नहीं देखता हूँ, ये मेरी आदत है। एक बार रवि यादव मेरी बैंक में आया था, मैंने मना किया तो कड़क जूतों से मारा।
जूता हमारा भी टाइट है, कहिए तो उतार देते हैं। राज भाई, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्जेंटली 60 लाख रुपए चाहिए। उसके बदले में प्रॉपर्टी क्या दोगे? और ना हो तो? कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। मेरे पास रवि यादव की साइन के अलावा और कुछ नहीं है। चलेगा, उसके ऑटोग्राफ को मैं स्वीट मेमोरीज में बदल दूंगा। बाहर वेट करो। राज भाई, इस हैप्पी मोमेंट पर हम एक मसाला चाय पिए? भूख लगी है, एक बिरयानी खा लेते हैं। भैया भैया भैया, इसे जरा भर दोगे क्या? कितना पैसा लिखना है? 956 रुपए है भाई, कल फैक्ट्री में पगार मिली थी, पूरे खर्च में से यही बचे हैं। पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करते हो? मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है भाई, छोटे भाई को पढ़ाऊंगा इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तुम छोटे तो हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। अब यहाँ साइन करो। सिर्फ यही नहीं सर, यहाँ के सारे बच्चे अंगूठा छाप हैं। स्कूल जाने के बजाय सब काम पर जाते हैं। आपके पास कोई काम हो तो बताइए भाई, मैं करूँगा। उसको बाद में देख लेना, पहले इस पर साइन कर दीजिए, मजे करो। वैसे ये 60 लाख खर्च कहाँ करोगे? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? नल। तो बस उसे घुमा देते हैं। हाँ हाँ, मैं पेंट कर दूंगा भाई। अरे वाह राज भाई, अपने वाटर प्लांट की वजह से लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ अपने चुनाव का चिन्ह लोगों के दिल में बस जाएगा। बिल्कुल। देखो ना राज भाई, क्या रे मुन्ना, तुम तो काफी टैलेंटेड निकले, थोड़ा सा सहारा मिलेगा तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो? कहाँ जाऊंगा भैया, माँ बर्तन धोने जाती है, बाबा काम पर जाते हैं और मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है। जब तीनों काम करते हैं तो दो वक्त की रोटी नसीब होती है हमें। मेरी तरह मेरा भाई ना बने इसलिए उसे स्कूल भेजने के लिए मैं ऊपर का काम करता हूँ भाई। ये लो तुम्हारा खर्चा। दया मत दिखाओ भाई, कोई और काम हो तो बताइए, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे काम की कीमत दे रहा हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत ऊंचा है, ये लो रख लो। तो फिर मैं इसे एडवांस समझ लेता हूँ भैया। अरे बाप रे, सारे पगार के पैसे खर्च कर दिए, क्यों खरीदे ये तूने? हाँ, ये पगार के पैसे नहीं है माँ, एक भैया ने एडवांस दिए थे। तो सारे पैसे भाई पर ही खर्च कर देगा क्या? डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तू? इतने से के लिए क्या डॉक्टर बुलाना, तुलसी चबा ले ठीक हो जाएगा। तालियां। अच्छे काम से शुरुआत की है, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। सर, सब बढ़िया हो गया। इंदु, इसी जोश में जाकर मैं पब्लिक की राय जान कराता हूँ। सर, लेडीज बहुत शुभ होती है, इन्हीं से पूछिए। दीदी, इस बार इलेक्शन में वोट किसे देंगी? रवि यादव को जी। इन्होंने अभी तक हमारा पानी नहीं पिया। पीती तो भी उन्हीं को देती, उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। क्या इस रंगोली को? अरे भाई रुको रुको रुको, इस इलेक्शन में तुम वोट किसे दोगे भाई? मैं रवि यादव को ही वोट दूंगा। अरे तुम भूल गए, मैंने इस गांव में वाटर प्लांट लगवाया है। रवि यादव ने मुझे यूथ लीडर बनाया है। और मेरी दीदी की शादी पर भी आए थे वो। जा जा। ये क्या राज भाई, दीदी की शादी में जाओ तो वोट देते लोग? चल कर सर्वे। अरे सुनो बेटा, ये नल तुमने ही लगवाया है क्या? हाँ हाँ, इन्होंने ही लगवाया है। कहते हैं सभी दानों में अन्नदान महान होता है, 3 बार खाया जाने वाला अन्नदान महान है तो 30 बार पीने वाला जलदान कितना होगा। अरे वाह, एक्सप्रेशन बहुत मस्त था। सर पूछिए आप, रिएक्शन मैं लेता हूँ। इस इलेक्शन में वोट किसे देंगे आप? और किसे देंगे, 1 and only रवि यादव को। ये क्या दादाजी, आपने कहा जलदान महान है? मान्यता और भी महान होती है, हमारे फोर फादर्स, वी आर डेडिकेटेड टू रवि यादव फैमिलीज ओनली, हाउ कैन आई वोट फॉर यू? अरे लेकिन दादाजी। सॉरी बेटा, नॉट इंटरेस्टेड। ये क्या सर, ये तो ऐसे नॉट इंटरेस्टेड बोलकर जा रहा है जैसे होम लोन मांग रहे हैं, उपदेश भी दे गया। अरे बाप रे, यहाँ के सारे लोग ऐसे क्यों हैं? हम इनके लिए पानी लाते हैं और ये उनको वोट देने की बात करते हैं। और किसे देंगे? यादव जी को ही देंगे, तुझे कोई परेशानी है? यादव जी। बाबू, अब तक समझ नहीं आया, इस एरिया में आरटीसी बस आए या ट्रेन आ जाए मैं ही लेकर आया हूँ, लोग यही समझेंगे। आसमान में फ्लाइट उड़ता देख लोग समझते हैं रवि यादव ही लाया है। कुछ लोग हमसे डर कर वोट देते हैं, कुछ लोग हमको प्यार से वोट देते हैं, कुछ लोग हमको आदतन वोट देते हैं। तो कहीं और से आकर 2 नल लगवा कर क्या उखाड़ लेगा?
वो देखो बस भी ठीक टाइम पर आ गई। टिकट के लिए पैसे मैं देता हूँ। जाओ बाबू जल्दी जाओ। कोई चलने वाला है क्या? चलना है तो आ जाओ। बचपन में जब कबड्डी खेलता था तब मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, युद्ध में सामना किए बिना पीठ दिखाने वाले से ज्यादा सामना करके हारने वाला वीर होता है। मैं खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा। चलो जय हिंद। अगर तुझ में हिम्मत है तो लिख ले, अगर वीरभद्र में कोई जीतेगा तो वो सिर्फ मैं। चलता हूँ। कुछ तो बात है उसमें, उसका कॉन्फिडेंस देखा, मेरे सामने बोल रहा था कि मैं जीतूंगा। पब्लिक पल्स का पता चल गया है। का पता चला उसे? उसकी पल्स क्या कहती है अभी जानकर आ रहा हूँ। ये देखिए सर, बाल्टी भर भर के पानी ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने झूठ भी नहीं बोला कि वोट आपको देंगे। हेलो मास्टर, मैं तुम्हें दिल से समझा रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। सही कहा राजभाई। हाँ। इन्हें पानी पिलाने से ये वोट नहीं देंगे, लेकिन क्या पिलाने से देंगे ये मैं समझ गया। क्या पिलाएंगे सर? अपोजिशन वाले हो ना, तुमको काहे बताएं? उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया, वो कोई सस्ती सी दारू पिलाने वाला है। अगर हम महंगी वाली पिलाएं तो सब कुछ अपना हो जाएगा। पब्लिक को तो जैसे झुकाओ झुक जाती है। आप क्या कहते हैं सर? अच्छा है। अरे मेरा जीना दुश्वार हो गया है, लीवर बार बार मुझसे मांग रहा है, मुझ पे कृपा कर दे भाई। और पिएगा तो मर जाएगा, अभी भी तेरी बीवी मरी है। वही तो बुलाना चाहता हूँ मैं। अरे यहाँ नहीं वहाँ देखिए सर। हाँ अरे आ गया गड्डी लेके। इनका पेट तो भरता ही नहीं है। अरे अब इनको बांटना बंद करो। अब देख तू इलेक्शन में क्या होता है, तेरे बैलेट बॉक्स के टुकड़े होंगे। सर आप यहाँ आराम से बैठकर गेम खेलते रहिए, वहाँ सारे नशेड़ी रवि यादव को वोट देंगे। अरे भले ही नशेड़ी उनको वोट दे दे, लेकिन माँ बच्चे और पत्नी उन सब के वोट हमें ही मिलेंगे। ऐसे कैसे होगा? दीदी इसमें क्या कैसा, पहले मुझे चाय पिला दो। राजभाई हाँ। कोई भी मर्द पी कर सबसे पहला काम क्या करता है? पत्नी पर हाथ उठाता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ गए? मतलब फिजिक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिए, आपको भी राजनीति आ ही गई। इसकी आने पर पानी नहीं देना चाहिए, क्वार्टर देना चाहिए। सुबह से पी रहे हो, काफी नहीं है क्या? अपने सुहाग को जवाब देगी, शोहर को भी जवाब देगी, पति देव को भी जवाब देगी, धर्म पति को भी जवाब देगी क्या? काश ये मेरे नसीब में होता। तेरे नसीब में मैं हूँ ये कम है क्या? आज से समझ ले तू, चारों मैं ही हूँ तेरा। सुनिए जी, खाना लगा दूँ क्या? नशा उतार दी। वहाँ कतरीना को देख, कितनी स्लिम और खूबसूरत है, और तू है सुमो जैसी, चल निकल। मुझे भी ऋतिक बहुत पसंद है, लेकिन तुम भैंसे जैसे दिखते हो, फिर भी साथ में रह रही हूँ ना। क्या रे भैंसी, तेरी नजर ऋतिक पर है, अभी मैं तुझे बताता हूँ। पति को छोड़कर ऋतिक तुझे चाहिए, ऋतिक चाहिए तुझे। अगर हमारी बेटी पे हाथ उठाए ना तो गला काट देंगे। चुपचाप यही पड़ा रहे। दारू पिया मैं महाराज हूँ, जय दारू देव की। सुन बे, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बाहर आकर देखिए, मोर्चा लेकर आई है सर। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले रवि यादव, पीए के साथ अन्याय करने वाला रवि यादव। राजभाई आप कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे? आप चिंता मत कीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कल्याण बाबू। क्या है ये सब? लेडीज रेवोल्यूशन, तुमने जो दवाई बांटी थी ना, ये उसका रिएक्शन है। तुमने नशेड़ियों के वोट लेने के लिए उनको दारू पिलाई, अब उन्हीं नशेड़ियों की फैमिली मुझे वोट देने वाली है। क्यों बे, हमसे चीट करता है? देख भाई, गेम में रूल्स होते हैं और वॉर में रूल्स होते हैं, बट पॉलिटिक्स हैज नो रूल्स। Hey,
पीए मतलब क्लीन शेव करके नीट कपड़े पहनकर हाथ में फाइल्स पकड़कर तू चाय पिए तो कप उठाकर कार सुतरे तो डोर बंद करके हाथ बांधकर खड़ा रहने वाला समझाए का? हम वैसे पीए नहीं मैया। इस स्टॉक के बाद उसका अगला स्टेप क्या होगा? तुरंत वो सारे दारू वाले वैंस रुकवा देगा। रोज ओएच के ग्रुप के आदत वाले लोग, अरे मेरा मतलब है कि अल्कोहल वाले लोग, अगर उन्हें टाइम पर शराब नहीं मिली तो बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। केमिस्ट्री को भी पॉलिटिक्स में मिला दिया आपने, बिल्कुल सही कहा। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है। अरे सूरज बेटा, सूरज देख बहन आई क्या? मेरा लीवर बार बार मुझसे पूछ रहा रे। सर यह वैन अभी तक नहीं आई। आएगी भी नहीं। जल्दी भेजिए वरना मर जाएंगे। जल्दी भेज वरना इतिहास बदल देंगे। एक बूंद भी नहीं पिलाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो ना शेरी कहीं के। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये लोग हमसे खेलेंगे। अब क्या करेंगे? सही वक्त और सही मौके का इंतजार करेंगे। वो मौका खुद चल कर यही आ रहा है। भाई भाई देख लीजिए, टीवी देखो ना। गांव के लोगों को उस रवि यादव ने क्या समझ रखा है? मैं वो दारू पिलाएगा तो हम उस रवि यादव को वोट दे देंगे क्या? भगा भगा के मारेंगे। हे रवि यादव, उन्हें दी तो हमने पी और अब तूने देना बंद कर दिया। छी तुझे कीड़े पड़े। अब देख रहे हैं ना, यहाँ के हालात सब एक होकर कल्याण को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। हम उसी को वोट देंगे। वो हमको बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहा है, हम चालाकी से उसको मात देंगे। क्या कल्याण, आई लव यू कहने तक तो मेरे पीछे पड़े थे, अब तो तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो। अच्छा क्या फैमिली है तुम्हारी? हा? तुम मुझे चाहती हो? तुम्हारे पापा को एमएलए दामाद चाहिए। यहाँ के लोगों का कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उन्हें रवि यादव ही चाहिए। बाबा रे बाबा, अब मुझसे नहीं हो रहा है। कल्याण। हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। हाँ राज भाई। सर हमारे नल पर पेंट करने वाला मुन्ना बहुत ही सीरियस है। मेरे बेटे को खांसी आ रही थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तुम्हें कुछ नहीं बोला, आज से इसके मुंह से खून आ गया। बचूंगा ना भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मैं अपने भाई को बढ़ा पाऊंगा ना भैया? तू कुछ मत बोल बेटा। मैं उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे जमा करूंगा। परसों भी ऐसे ही एक केस को लेकर के आए थे, सिलिकोसिस। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उस फैक्ट्री में जो काम करेगा उसे ऐसी मौत मिलना कॉमन ही है ना। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो कोई बोलता क्यों नहीं है? कोई कुछ नहीं बोलेगा सर, जब ये जिंदा था तब किसी ने कुछ नहीं बोला तो अब क्या बोलेगा? पर अब ये मर गया है राज भाई। जब तक जिंदा था ना वो अपने भाई को पढ़ाना ही चाहता था और कुछ नहीं, लेकिन अब हे मुन्ना तेरे भाई को मैं पढ़ाऊंगा रे। वो भी कहाँ है सर, एक हफ्ते से इसकी तबीयत खराब होने से ये घर पर था तो उसके लोग आकर जबरदस्ती इसके भाई को उठा कर ले गए, वो अभी भी वहीं पर है। ये फैक्ट्री कहाँ पर है? क्यों पूछ रहे हो सर? मैंने कहा फैक्ट्री कहाँ है? मुन्ना का भाई कहाँ है?
क्यों बे? यहाँ आया नया आदमी ऐसे ही रिएक्ट करता है, यहाँ आने के बाद वापस नहीं जाता। सबकी कब्र हमने यही खोद दी है, आज हम तेरी भी खोदेंगे। आज तक यहाँ पर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब ये सब बंद करना होगा। आज इसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना है, मारो इसे। इतने से तुझे इतना दर्द हो रहा है तो सोच इन बच्चों पर क्या बीतती होगी। तू इंसान ही है ना? सोचा था कुर्सी के लिए ही चालाकी करता होगा, लेकिन तू नीच निकला। तू बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है। तेरे साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पुलिस का सपोर्ट होगा, तेरे पीछे गुंडे होंगे, ये सोचकर लोग डरते होंगे तुझसे। लेकिन आज से तेरा डरने का टाइम शुरू हो गया, याद रखना। क्या बक रहा है तू? अब सुन, तेरी ग्लास की फैक्ट्री में सिलिकोसिस की वजह से मरने वालों की संख्या पूरी 157 है, और आज मुन्ना की मौत के साथ वो 158 हो चुकी है। स्पिनिंग मिल में हाथ और उंगलियां गवाने वालों की संख्या मैं तुम्हें बताऊं क्या? अब तक मीडिया को सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। लोगों के सामने तेरा कमीनापन, 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट, जर्नलिस्ट शिवराम कृष्ण की रिसर्च। तुमको चाहिए का? बच्चों का फ्यूचर। आज के बाद कोई भी बच्चा तेरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तू भरेगा। अब तू हमसे राजनीति कर रहा है? अभी तक तो मैंने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया। अगर शुरू किया तो तू कहीं का नहीं रहेगा रवि यादव। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है। अगर मैंने लीगल एक्शन लिया तो चाइल्ड एक्ट के हिसाब से तुम्हें हर बच्चे को 20,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी होगी, जर्नलिस्ट के केस में तुझे जेल जाना होगा, और इन सबसे ज्यादा मुझे बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट लगता है। तो बोल, उन्हें पढ़ाएगा या फिर तू जेल जाएगा? चॉइस इज योर्स। इतनी सी पेन ड्राइव के लिए इतने सारे पैसे दे दिए भाई? माचिस की तीली भी इतनी ही होती है,
लेकिन उसकी गर्मी फसल जला सकती है। हमारे इलेक्शन का टाइम है, उसी तीली की गर्मी की तरह। वो चाहे कितने बच्चों को भी पढ़ा ले, उसे केवल उसके ही घर के वोट मिलेंगे। इलेक्शन होते ही और उसके हारते ही बच्चों को दोबारा फैक्ट्री पर आना ही होगा। अब ज्यादा से ज्यादा 4 दिन पढ़ाएंगे सर, उसके बाद हमें ये चाहिए वो चाहिए कहकर हमारे सर पे बैठेंगे, हम सब जानते हैं सर। पढ़ लेंगे लेकिन नौकरी कौन देगा? पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए या सैलरी के लिए नहीं होती, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए होती है। एक लड़की ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बच्चों को जायदाद दोगे तो खर्च होने तक जिंदा रहेंगे, पढ़ाओगे तो हमेशा जीते रहेंगे। बात तो सच है बेटा, ये हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। काहे का अच्छा, बिना किसी पढ़ाई के मेरा बेटा हर महीने 2000 कमा लेता है। इनकी बात मानकर अगर उसे स्कूल भेज देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चे काम पर जाते हैं तो कितना कमाते हैं उतना ही मैं स्कूल जाने पर दूंगा। मेरा बेटा इसी उम्र में कमा रहा है, ये सोचकर फर्क महसूस मत करो। कल वो जब बड़ा होगा तो सोचेगा कि मेरे बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। बेकार ही वो आपके लिए नाराज हो जाएगा, तब अफसोस करोगे। जब बच्चे पैदा होते हैं तब हमें माँ बाप का बस नाम मिलता है, लेकिन जब हम उन्हें किसी लायक बनाते हैं तब माँ बाप की जीत होती है। अगर अनाथ बच्चे ऐसा खतरनाक काम करते हैं तो ये उनकी बदनसीबी है। माँ बाप खुद ऐसे काम के लिए भेज रहे हो तो वो तो सरासर पाप है। साहब, भले ही हम एक वक्त क्यों न खाए लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। वो हमारे ही बच्चे हैं, हम उनका भविष्य खराब नहीं करेंगे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए सर, उसे स्कूल में खर्च कीजिए। एक या दो नहीं सर, उसकी फैक्ट्री में कुल मिलाकर 3000 बच्चे हैं। हम सबको पढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हो सर, इलेक्शन सर पर है, फिर प्रचार कैसे करेंगे? एमएलए बनने से ज्यादा बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारना और भी अच्छा होता है। हम पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे हम। पैगाम चुनौती है, संघर्ष है जीवन, युद्ध युद्ध जीवन है युद्ध। चलता जा सुबह हो शाम, चलने का ही नाम है जीवन, युद्ध युद्ध हो जीवन है युद्ध। तू रुकना नहीं, तू झुकना नहीं, तेरा ऊंचा होगा नाम। रख हौसला कर फैसला, तुझे पाना है मुकाम। रख साहस मन में, रख संयम मन में, कर सबकी मदद तू, चल सच के पथ पे, तेरे साथ दुआ है सबकी इस जंग में। युद्ध युद्ध जीवन है युद्ध, युद्ध युद्ध जीवन है युद्ध। सुन ले ये पैगाम, चुनौती है संघर्ष है जीवन, युद्ध युद्ध जीवन है युद्ध। हो चलता जा सुबह हो शाम, चलने का ही नाम है जीवन, युद्ध युद्ध हो जीवन है युद्ध। युद्ध युद्ध जीवन है युद्ध। बापू, ये क्या है? आपका नाम लिखा है। क्या लिखा है उसने, ऐसे देखे जा रहे हो? उसके 2000 से ज्यादा, आज उसके 2 अक्षरों से कितनी खुशी मिल रही है। सारे बच्चों को फैक्ट्री में लेकर आओ। एक घंटे के अंदर सारे बच्चों को फैक्ट्री में होना चाहिए। ए, कहां जाता है मालिक? बड़े बेटे को तो हमने खो दिया, उसका सपना था कि ये पढ़ ले। इसे छोड़ दीजिए मालिक, मैं आपका हाथ छोड़ दूँ। देख क्या रहे हो सर, इन सबको बचाइए।
कितनों को बचाएंगे और कब तक बचाएंगे? अगर सिर उठाकर जीना है तो गुलामी छोड़नी होगी। जिंदगी चाहिए तो लड़ना सीखो। डरेंगे नहीं किसी से भी हम, रुकेंगे नहीं बढ़ते कदम। दुश्मन के आगे झुकेंगे नहीं हम, लड़ना होगा मिलके, आगे बढ़ना है मिलके हमी को, चाहे निकल जाए दम। अन्याय किसी का सहेंगे ना कभी भी, विश्वास है हमें पूरा, जीतेंगे हम ये लड़ाई। रख साहस मन में, रख संयम मन में, कर सबकी मदद तू, चल सच के पथ पे, तेरे साथ दुआ है सबकी इस जंग में। युद्ध युद्ध जीवन है, युद्ध 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 जीवन है, युद्ध। सुन ले ये पैगाम, चुनौती है संघर्ष है जीवन। युद्ध युद्ध जीवन है, युद्ध 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 हो जीवन है, युद्ध। भैया अब तो मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी MLA बन चुके हो, अब तुम जल्दी से शादी कर लो और मुझे गहने दिलाना मत भूलना तुम। ठीक है। आ? और मेरी पसंद की चीजें भी, समझा? हाँ ठीक है, रखता हूँ जीजू, बाय। चार दिन बाद इलेक्शन है और उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। जीतोगे तो मिलकर जीने के लिए जिंदगी मिलेगी, वरना जीने के लिए बस यादें ही बचेंगी। इतने लोगों का आशीर्वाद है उस पर, उसे कुछ नहीं होगा। बाय इलेक्शन जब नजदीक है उसी समय कल्याण पर अटैक हुआ और इसका शक सीधा रवि यादव पर जा रहा है। अगर सच जानना है तो हमें सर्जरी कंप्लीट होने तक वेट करना होगा। ही सेफ, उन्हें अभी रूम में शिफ्ट किया है, 10 मिनट के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। एक सुक। सबूतों को पैसे देकर भले ही दबा दिया था, लेकिन लोग तो हम पर ही शक कर रहे हैं। अब तू अगर सच बोल देगा तो इलेक्शन से पहले ही हमारा चैप्टर क्लोज। दरअसल तुमको नहीं मारना चाहिए था, लोगों में तुम्हारी इमेज को मारना चाहिए था। उस दिन हमने राजीनामा देकर एक गलती कर दी, बच्चों को पढ़ाएगा बोला तो पैसा देकर दूसरी गलती कर दी। 6,000 ही वोट मिलेंगे सोचा था, लेकिन तुमने तो 60 साल का इतिहास ही हिला डाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन लाइफ लाइन एक ही होती है। अब उन सब बच्चों की लाइफ लाइन हमारे हाथों में है। जब बच्चों से हम काम करवाता हूं तो उनके माँ बाप से कागज पर अंगूठा लगवा लेता हूं। अगर कोई मुंह खोलता है तो कर्जे में डुबाकर उसे मरवा डालता हूं। जो कह रहा हूं वैसा नहीं किया तो उन कागजों के सहारे सभी के घर और जमीन उनसे छीन लूंगा।
अगर उससे भी हमरा पूरा पैसा नहीं मिला तो हम जेल भिजवा देंगे। जिन बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हो बाबू, वो सड़क पे आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ ना हो चाहते हो तो लोगों के बीच जो तुम्हारी अच्छी इमेज है उसको तुम खुद तोड़ोगे। और सुन, लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, एमएलए की कुर्सी और इंदु से शादी और 3000 बच्चों का भविष्य। त्यागना होगा महान लक्षणों वाला आदमी, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। पब्लिक समझती है कि रवि यादव ने ही आप पर हमला करवाया है, इस बारे में कुछ कहेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं सर, आप पर अटैक किसने किया? मुझ पर जो अटैक हुआ उसमें रवि यादव का कोई हाथ नहीं है। बैंगलोर में मेरा पुराना दुश्मन है, उसने ही मुझ पर हमला करवाया था। मैं आप लोगों का उद्धार करने या आपकी जिंदगी संवारने के लिए नहीं आया था। ये सब मैं कर रहा हूं अपने प्यार के लिए, सिर्फ अपने प्यार को जीतने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। मैंने इतने बुरे काम किए, न जाने कितने झूठ बोले, अच्छा बनने का आपके सामने नाटक किया। हमारे गांव के बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हो, ये तो अच्छा काम है ना? मेरे जैसा चार अच्छी बात बोल दे तो उसे अच्छा आदमी समझना आपकी बेवकूफी है। स्कूल शुरू करने से आपके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन चैरिटी से मुझे बहुत पैसे मिले हैं। ये क्या सर, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? मौत को करीब से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूं। मुझे एमएलए बनने का कोई हक नहीं है, भगवान के लिए मुझे वोट मत कीजिए। आखिरी बार एक बात बोलता हूं, मैंने आपके विश्वास से खेला है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या किया आपने? बच्चों के भविष्य के लिए जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की को ही छोड़ दिया, अपने ऊपर ही इल्जाम लगा लिए। सर, आपके जैसा एमएलए इन गांव वालों को फिर कभी नहीं मिलेगा। पहले राउंड में रवि यादव को 2260 वोट मिले हैं। दूसरा राउंड खत्म होते ही 7330 वोट पा चुके रवि यादव खुश हैं। विपक्ष की तरफ से कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, वीरभद्रपुर रवि यादव का गढ़ है, ये बात फिर से साबित हो चुकी है। छठे राउंड के बाद 340 वोटों से आगे चल रहे हैं कल्याण। आठवें राउंड के खत्म होने के बाद 12,000 की मेजॉरिटी से आगे चल रहे हैं कल्याण। चलो सारी मशीनें तोड़ देते हैं। चलो हटो 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 हटो। सर, आपके आदमी काउंटिंग को बीच में बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम खुद आ रहे हैं तो रोकेगा क्या? रोकेगा क्या? इन सभी को अरेस्ट कर। यस सर। सर, ये रवि यादव के नाम पर कंप्लेंट्स है और इसमें है उसके बुरे कर्मों के सबूत।
ब्रेकिंग न्यूज, कल्याण अपने विपक्षी रवि यादव से 25,000 वोटों से जीत चुके हैं। शाबाश, कर दिखाया इसने। जीत अपने लोगों की बातों में नहीं होती, हारने वालों की आंखों में देखनी चाहिए। एमएलए कल्याण जिंदाबाद, 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 एमएलए कल्याण जिंदाबाद। आप ऐसे क्या सोच रहे हैं सर, वोट ना देने के लिए जब आपने खुद बोला तब भी आप कैसे जीते, यही ना? मौत को नजदीक से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, बोले थे आप। आपको हमने नजदीक से देखा है, सच नहीं जान सकते क्या? हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या हम आपको जिता नहीं सकते? इतने दिनों तक इनके पास डर और कमजोरी थी, आपके आने के बाद इनको भरोसा हुआ कि कोई तो हमारा है, फिर आपको कैसे छोड़ते सर? अगर प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कॉन्ग्रेट्स। मुझे तो पावर वाला दामाद चाहिए था। पावर मतलब कोई ऐसा जिससे बहुत सारे लोग डरे, पर लाखों के प्यार को मैं नहीं समझा। आओ। हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में नए एमएलए कल्याण ने अपनी कुर्सी संभाली। वो एमएलए बन गया। नमस्ते सर। तुम? मैं जिंगा बाबू सर। ओह। बी ए मैकेनिकल, एम ए इलेक्ट्रिकल, एम आई केमिकल, डी बी एम, डी पी एम, डी एम एम, पी जी डी सी ए, टैली, फोकस, ऑटो। हाँ, बस बस बस, तुम मेरे पीए के पीए बनने के लायक हो, ठीक है ना? पीए का पीए। गुड मॉर्निंग कल्याणी मैडम। गुड मॉर्निंग। कल्याणी मैडम, एक बार मेरे घर चलो तो। एक चपरासी की इतनी औकात जो मुझे घर चलने को बोलता है, आउट। अगर आपकी पोजीशन खराब हो जाए तो आदमी घर में कुत्ता बन जाता है। नागेश्वर जी। हाँ। आपको एमएलए दामाद चाहिए था ना, अब दो एमएलए मिले हैं। दो एमएलए? परेशान मत होइए, एक एमएलए हाँ। और दूसरा महान लक्षणों वाला हाँ। आदमी। एक्शन। परमानी सूट आशिक तू क्यूट, अंदाज गजब तू मस्त मुंडा है। ब्यूटी क्वीन है तू, ड्रीम गर्ल है तू, वेरी क्यूट है तू, मस्त कुड़ी है। अरे डांस तू कर ले मेरे साथ, तू यारा बाते ना ठीक कर ले मेरे साथ, तू यारा। तेरी अदा देसी मैं हुआ क्रेजी, जाने जिगर पास इधर आ। मोस्ट वांटेड मुंडा, लव का मिला हम मौका, मार ले तू ट्राई। कुमारी तेरी है छाई, नखरे तेरे है हाई, अदमस है तेरी। लड़का मिला तो झकास, लड़की मैं बनी झकास, अपनी जोड़ी है झकास, दोनों फोड़ तो झकास। अरमानी सूट आशिक तू क्यूट, अंदाज गजब तू मस्त मुंडा है।